हेलो दोस्तों, आज हम काउल स्लीव्स की कटिंग करेंगे नए तरीके से। तो मैंने इस तरह से, ये मेरी दो स्लीव्स हैं, तो मैंने इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है स्लीव ये। इस स्लीव्स को बनाने के इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा ही रखी जाती है, क्योंकि इसमें सलवटें पड़ती है तो ज़्यादा रखी जाती है। तो इसकी चौड़ाई 14 इंच है। तो मैं आपको अखबार पर बता रही हूँ, तो मैंने इस पर कम रखा है, वैसे तो ज़्यादा ही रखा जाता है। और यहाँ से हम अपनी लेंथ नापेंगे, जितनी भी आप बॉटम रखना चाहते हो यहाँ से रख सकते हो। तो मैंने इसमें 4 इंच का बॉटम रखा और 1 इंच मेरा मार्जिन हो जाएगा, तो 5 इंच हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा थोड़ा सा इस तरह से जाएगा, इस तरह से। अब सीधा हो गया ये। यहाँ से हम 3 इंच लगाएं, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स लगाते हैं वैसे ही निशान लगाने हैं, शेप वैसे ही देना है इस तरह से। ये हमारे निशान लगे, अब हम इस पर कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। यहाँ से हम अपने बॉटम का रखेंगे और हमारा मार्जिन का हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारी काउल स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हम इसमें सलवटे किस तरह से पड़ते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो इसकी सलवटे जैसे हमारा ये है स्ट्रेट पूरा यहाँ से सीधा सा, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कट सा लगा दूंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे यहीं तक ही सलवटे डालनी है। वैसे तो इसमें 4 ही 5 पड़ेगी, तो मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ इस तरह से। इस तरह से पड़ेगी और दूसरी भी इसी तरह से पड़ेगी। तो मेरी इसमें 4 सलवटें पड़ी हैं इस तरह से। इसी तरफ हम दूसरी तरफ भी करेंगे। तो ये हमारी एक तरफ की पड़ गई, अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से लगाएंगे। ये बहुत आसानी से बन जाती है। जितनी सलोटे हमें पहली तरफ में रखनी है लेफ्ट राइट में, उसी तरफ में लेफ्ट में भी रखना है हमें। तो 4-4 पड़ गई मेरी दोनों तरफ। तो इस तरह से मेरी काउल स्लीव बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से शेप आएगा।
इस तरह से पड़ेंगे इसकी सलवटें, और यहाँ से हम अपने बॉटम में अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, या तो आप इसमें कफ लगा सकते हो। कफ लगाने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखेगी स्लीव, तो इस तरह से हमारी काल स्लीव बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे हम इस पर भी करेंगे दोनों पर, तो दोनों हमारी स्लीव इसी तरह से बनेंगी, तो हमारी ये काल स्लीव बनकर इस तरह से तैयार हो जाएंगी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।